नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश ठाकुर स्वागत करता हूं आप लोगों का हमारे इस चैनल पर। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहली खबर है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से। दोस्तों केंद्र सरकार और AIIB यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने पश्चिम बंगाल में सिंचाई सेवाओं में सुधार करने के लिए 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन में सुधार करना है। दोस्तों हालांकि दामोदर घाटी कमान क्षेत्र परियोजना AIIB, IBRD और पश्चिम बंगाल के मध्य एक सहवित्त पोषित संस्था है। इस परियोजना का की कुल लागत 413.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर है, जिनमें से AIIB की हिस्सेदारी 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की, पश्चिम बंगाल सरकार की हिस्सेदारी 123.8 मिलियन अमेरिकी डॉलर की और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बैंक की हिस्सेदारी 145 मिलियन अमेरिकी डॉलर की है। दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं AIIB, IBRD और दामोदर नदी की। यदि बात की जाए एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना का उद्देश्य प्रशांत एशिया क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के निर्माण का समर्थन करना है। दोस्तों इस बैंक की स्थापना चीन के अनुमोदन पर की गई थी। स्थापना से संबंधित प्रस्ताव को 25 दिसंबर 2015 को पास किया गया था, जबकि बैंक ने अपना काम 16 जनवरी 2016 से स्टार्ट किया था। दोस्तों बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और बैंक में सदस्य देशों की संख्या 78 है और इसके वर्तमान प्रमुख हैं जिन लेकुन। और बैंक में तीन बड़े हिस्सेदार देश हैं, चीन, भारत और रशिया। बैंक में चीन की हिस्सेदारी 26.06% है, भारत की हिस्सेदारी 7.5% है, जबकि रशिया की हिस्सेदारी 5.92% है। अब बात करते हैं IBRD की, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। दोस्तों इस बैंक की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था अपने सदस्य राष्ट्रों को विकास और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। दोस्तों बैंक की स्थापना वर्ष 1944 में की गई। इसका हेडक्वार्टर Washington DC में है और इसके सदस्य देशों की संख्या है 189 एवं इसके वर्तमान प्रमुख डेविड मालपास है। अगली बात कर रहे हैं दामोदर नदी की। तो दोस्तों दामोदर नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जो भारत के झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्य से होती हुई बहती है। दामोदर नदी का उद्गम झारखंड राज्य में छोटे नागपुर के पठार पर स्थित हजारीबाग पठार से होती है और इसके बाद दामोदर नदी अपने पूर्व में छोटे नागपुर के पठार की भ्रंश घाटियों से बहती हुई पश्चिम बंगाल राज्य में पहुंचकर हुगली नदी में समाहित हो जाती है। दामोदर नदी की कुल लंबाई 541 किलोमीटर है और दामोदर नदी के तट पर बसे प्रमुख शहर हैं बोकारो, आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर और वर्धमान। दोस्तों दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दामोदर नदी प्राचीन काल में पश्चिम बंगाल राज्य में भारी तबाही मचाती थी। बाढ़ के द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में इसके भारी तबाही मचाने की वजह से ही इसे पश्चिम बंगाल का शोक भी कहा जाता है। लेकिन दामोदर नदी घाटी परियोजना के चलते दामोदर नदी में आने वाली इस बाढ़ पर नियंत्रण पा लिया गया और अब दामोदर नदी की बाढ़ काफी हद तक नियंत्रित हो चुकी है। दोस्तों आपको बताना है दामोदर नदी घाटी परियोजना कब शुरू की गई थी और यह किस परियोजना पर आधारित थी। दोस्तों अगली बात कर रहे हैं थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंड गियर की। दोस्तों जैसा कि वर्तमान समय में पूरा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है, लेकिन कोरोना महामारी से लड़ने में हमारे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं के अंतर्गत हम नर्स, डॉक्टर या पुलिस कर्मियों को शामिल करते हैं।
दोस्तों देश में ऐसे भी केस देखने को मिले हैं जब हमारे फ्रंटलाइन कोरोना योद्धा कोरोना से लड़ने के दौरान ही कोरोना संक्रमित हुए। और इसी चीज को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हैंडगियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है। इस उपकरण को कोविड 19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अनूठा उपकरण पुलिस कर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने में भी उनकी मदद करता है। दोस्तों हैंडगियर का इस्तेमाल कार्यकर्ता अस्पताल, सुपरमार्केट और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के संपर्क में आए बिना ही कर सकेंगे। दोस्तों अगली न्यूज है MIRAHD कोविड 19 डैशबोर्ड से। दोस्तों IIT गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा MIRAHD कोविड 19 डैशबोर्ड नामक एक इंटरैक्टिव कोविड 19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। डैशबोर्ड का उद्देश्य इस संकट के समय अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है। यह इंटरैक्टिव डैशबोर्ड कोरोना वायरस की टेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन, अस्पताल और लोगों की सहायता करने में सक्षम है। साथ ही यह लॉकडाउन के बाद विभिन्न परिदृश्यों में सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकता है। दोस्तों अगली न्यूज देवेश रॉय से संबंधित है। देवेश रॉय बंगाली भाषा के विख्यात साहित्यकार थे। उनके द्वारा रचित उपन्यास तीस्ता पारेर वृत्तांत के लिए उन्हें सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दोस्तों हाल ही में देवेश रॉय का निधन हो चुका है। दोस्तों अगली न्यूज आत्मनिर्भर भारत अभियान से संबंधित है। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के इस दौर से भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया था। इस पैकेज को ही आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि इस बड़े राहत पैकेज से भारत के लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी जरूरत की अधिकतर चीजों के लिए खुद पर ही निर्भर हो जाए। इस हिसाब से इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। दोस्तों अब तक भारत सरकार के द्वारा इस मिशन के 3 चरणों की घोषणा की जा चुकी है। मिशन के पहले चरण के अंतर्गत चिकित्सा, वस्त्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक, खिलौने जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया था, जबकि इसके दूसरे चरण में रत्न, आभूषण, फार्मा, स्टील जैसे क्षेत्रों को प्रोत्साहित किया गया था। दोस्तों हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्थिक राहत पैकेज की कड़ी में कुछ और राहत उपायों को जोड़ते हुए तीसरे चरण के कदमों की विस्तार से जानकारी साझा की है। तीसरे चरण के तहत कुल 11 उपाय किए जाएंगे, जिनमें 8 उपाय कृषि अवसंरचना या बुनियादी ढांचागत सुधारों को बेहतर बनाने के लिए है और 3 उपाय प्रशासनिक एवं गवर्नेंस सुधारों के लिए है, जिनमें कृषि उपज की बिक्री और स्टॉक सीमा पर प्रतिबंध हटाना शामिल है। दोस्तों आत्मनिर्भर भारत अभियान के कुल 5 स्तंभ हैं। पहला स्तंभ है अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन के स्थान पर बड़ी छलांग पर आधारित है। दूसरा स्तंभ है अवसंरचना, ऐसी अवसंरचना जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा है प्रौद्योगिकी, 21वीं सदी प्रौद्योगिकी संचालन व्यवस्था पर आधारित प्रणाली का विकास। चौथी है गतिशील जनसांख्यिकी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए ऊर्जा का स्रोत बने। और आत्मनिर्भर भारत अभियान का 5वां स्तंभ है मांग, भारत की मांग और आपूर्ति श्रृंखला की पूरी क्षमता का उपयोग किया जाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों अगली बात कर रहे हैं गोल कार्यक्रम की। गोल कार्यक्रम का फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। दोस्तों हाल ही में हमारे केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया है।
कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ फेसबुक की संयुक्त पहल है। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं को खोज कर उनके लिए उत्प्रेरक का कार्य करना है। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म की मदद से उम्मीद की जा रही है कि आदिवासी युवाओं का व्यक्तित्व विकसित होगा। कार्यक्रम के वर्तमान चरण में 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों, यहां पर अगर केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की बात की जाए तो इस मंत्रालय का गठन वर्ष 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का विभाजन करके किया गया था। मंत्रालय की स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक समन्वित और सुनियोजित तरीके से भारतीय समाज के अत्यंत शोषित वर्ग यानी अनुसूचित जनजातियों के समेकित सामाजिक आर्थिक विकास पर आधार अधिक ध्यान केंद्रित करना है। इस मंत्रालय के गठन से पहले जनजातीय मामले अलग अलग समय में विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा निपटाए जाते थे। दोस्तों, यदि फेसबुक की बात की जाए तो फेसबुक की स्थापना फरवरी 2004 में मार्क जुकरबर्ग के द्वारा की गई थी और फेसबुक का मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। दोस्तों, अगली न्यूज प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनी सुजमान से संबंधित है। दोस्तों, बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर अनी सुजमान का हाल ही में निधन हो चुका है। वह वर्ष 2012 से बंगाल अकादमी के अध्यक्ष थे एवं एक स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था। दोस्तों, प्रोफेसर अनीस उज्जमान ने अपने शानदार करियर में शिक्षाविद, अकादमी, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए। उन्हें वर्ष 1985 में एकुशी पदक से सम्मानित किया गया था और 2014 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था। दोस्तों, अगली न्यूज 11वें पंचेन लामा से संबंधित है। अमेरिका ने चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को छोड़ने का आग्रह किया है, जिन्हें चीनी अधिकारियों द्वारा वर्ष 1995 में मात्र 6 वर्ष की उम्र में कैद कर लिया गया था। दोस्तों, पंचेन लामा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले हम देखेंगे पंचेन लामा क्या है और दलाई लामा क्या है। पंचेन शीर्षक का अर्थ महान विद्वान होता है। लाम्बा बौद्ध धर्म का एक शीर्षक है जिसका अर्थ श्रेष्ठ से है। इसे आधिकारिक तौर पर केवल कुछ चुनिंदा तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को दिया जाता है जो आध्यात्मिकता के उच्चतम स्तर को प्राप्त करते हैं। अधिकांश लामाओं को विभिन्न अवतारों का पुनर्जन्म माना जाता है। तो इस तरह पंचेन यानी महान विद्वान और लाम्बा मतलब श्रेष्ठ। पंचेन लामा तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक नेताओं में से एक है और इनका स्थान तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के पश्चात आता है, यानी तिब्बती धर्म ग्रंथ में पहले दलाई लामा और इसके बाद पंचेन लामा का स्थान आता है। दोस्तों, पंचेन लामा वंशावली की शुरुआत वर्ष 1385 में हुई थी। इसी वर्ष पहले पंचेन लामा नियुक्त किए गए थे। अब चूंकि बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं, इसलिए तिब्बती मान्यताओं के अनुसार पंचेन लामा का निर्बाध पुनर्जन्म हो रहा है और वर्ष 1385 से लेकर अब तक 11 पंचेन लामा नियुक्त किए जा चुके हैं। बौद्ध मान्यताओं में दलाई लामा की तरह ही पंचेन लामा को भी बुद्ध का ही अवतार माना जाता है। पंचेन लामा को अमिताभ यानी बुद्ध के असीम प्रकाश वाले दैवीय स्वरूप का अवतार माना जाता है, वही दलाई लामा उनके अवलोकितेश्वर स्वरूप का अवतार माने जाते हैं। दोस्तों, सदियों से दलाई लामा और पंचेन लामा के मध्य एक महत्वपूर्ण संबंध रहा है। दलाई लामा पंचेन लामा के एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में कार्य करते हैं और पंचेन लामा नए दलाई लामा की खोज में अनिवार्य भूमिका अदा करते हैं। दोस्तों, आने वाले समय में 15वें दलाई लामा की नियुक्ति की जानी है, यानी 15वें दलाई लामा जो है आने वाले समय में नियुक्त किए जाएंगे, किंतु चीन ने 11वें पंचेन लामा को बंदी बना लिया है।
तो ऐसे में 15वें दलाई लामा की नियुक्ति संभव नहीं है। दोस्तों वर्ष 1995 में दलाई लामा द्वारा एक युवा तिब्बतीय लड़के को 11वें पंचेन लामा के रूप में चुना गया था। इस युवा तिब्बतीय लड़के का नाम गेदुन चोकोई था। चुने जाने के कुछ समय पश्चात ही 11वें पंचेन लामा को उनके पूरे परिवार सहित रहस्यमय ढंग से गायब कर दिया गया है और उसके पश्चात उन्हें कभी भी नहीं देखा गया। दलाई लामा द्वारा नियुक्त पंचेन लामा के गायब होने के कुछ समय पश्चात ही चीनी अधिकारियों द्वारा एक अन्य 6 वर्षीय लड़के को आधिकारिक रूप से पंचेन लामा नियुक्त कर दिया गया। यानी चीन ने सब कुछ 15वें दलाई लामा की नियुक्ति को देखते हुए किया। यहां पर यह माना जा रहा है कि चीन ने दलाई लामा के द्वारा नियुक्त 11वें पंचेन लामा को बंदी बना लिया और अपने नए 11वें पंचेन लामा की नियुक्ति कर दी है ताकि वह 15वें दलाई लामा की नियुक्ति चीनी सरकार के कहने पर कर सके। तो इस तरह से चीन के इस कदम का विरोध दलाई लामा सहित संयुक्त राष्ट्र संघ और विभिन्न मानवाधिकार संगठनों ने किया है और इसी वजह से अमेरिका ने चीन से तिब्बती बौद्ध धर्म के 11वें पंचेन लामा को छोड़ने का आग्रह किया है। दोस्तों अगली न्यूज टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव से संबंधित है। टूर ऑफ ड्यूटी एक प्रस्ताव है जिसके अंतर्गत भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 साल के लिए सेना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। दोस्तों यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो यह अपनी तरह का पहला प्रस्ताव होगा जिसके चलते देश के आम नागरिक स्वेच्छा से सेना में 3 साल के लिए शामिल हो सकेंगे। प्रस्ताव के पारित होने से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्च में भारी कमी आएगी। इस और इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना के आधुनिकीकरण के लिए किया जा सकेगा। वर्तमान समय में सेना के वेतन और पेंशन बिल में कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जो बजट आवंटन का 60% है। पिछले 5 वर्षों में रक्षा बजट में 68% की, वेतन में 75% की और रक्षा पेंशन में 146% की वृद्धि हुई है और इसी को देखते हुए केंद्र सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि अभी यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ है पर इसके पास हो जाने से सेना के खर्चों में भारी कमी आएगी। दोस्तों आज के करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। आशा कर रहा हूं आप लोगों को करंट अफेयर्स पसंद आ रहे होंगे। अभी कुछ समस्याएं हैं पर बहुत ही जल्द मैं उन समस्याओं को भी सुलझा लूंगा और आप लोगों के लिए इसी तरह से करंट अफेयर लाता रहूंगा। कल तक के लिए नमस्कार।